रावलपिंडी के बड़े अस्पताल होली फैमिली में इंसानी खून पीने वाली लेडी डॉक्टर नौकरी से फारिग। डॉक्टरों को मसीहा समझा जाता है जो बीमारों को शिफा देने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी सामने आते हैं जिनकी शर्मनाक हरकत की वजह से इलाज के लिए अस्पताल जाते हुए भी डर लगता है। ऐसा ही वाकया रावलपिंडी में पेश आया, जहां इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक लेडी डॉक्टर मरीजों का खून कैनोले में जमा करके रखती थी और इसको पीती थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल का कहना है कि रावलपिंडी शहर के बड़े अस्पताल से इंसानी खून पीने वाली लेडी डॉक्टर को अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के बाद नौकरी से फारिग कर दिया। जराई के मुताबिक युसरा नामी लेडी डॉक्टर अस्पताल की लेबोरेटरी में फ्राइज अंजाम देती थी। अस्पताल इंतजामिया को लेडी डॉक्टर के मुतालिक इंसानी खून पीने की शिकायत मौसूल हुई कि ये लेबोरेटरी में मरीजों का टेस्ट होने के लिए आने वाला खून पीती हैं। तहकीकात के दौरान खून पीने का इल्जाम साबित होने पर लेडी डॉक्टर युसरा को रिहेब सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने अब तक लेबोरेटरी में आने वाले 7,969 मरीजों के खूनों के नमूनों को चखा है, जिनमें ज्यादातर हमला खवातीन और मर्द हजरात का खून है। बताया जा रहा है कि ये नफसियाती मरीजा है, मगर मजीद तहकीकात के लिए MS ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है।